सभी देशवासियों को फोर्थ पिलर लाइव की ओर से ईद की हार्दिक बधाई। मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। जैसा कि आपको पता है आज ईद का पर्व है, ऐसे में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज ईद की नमाज अदा करने हजारों की संख्या में मुसलमान भाई पहुंचे, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को याद करते हुए ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक की बधाइयां दी। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान पहुंचे और नमाज अदा कर रहे मुसलमान भाइयों को ईद की बधाइयां दी। और बड़ी खुशी की बात है और पूरे महीने में कार्यक्रम चल रही है, वो भी तो अनेक जगहों पर जाते हैं, सब लोग मन जी है एकदम आपस भाईचारे के लिए काम करते हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले सबका हम सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, इसी के लिए संभव है, प्रयास होता है और बहुत अच्छा माहौल है। अब आप जानते ही हैं आज के मौके पर, ईद के अवसर पर सब मुबारकबाद सामाजिक सौहार्द बिहार में बना है। आप लोग भी इस मौके पर आकर के सब कुछ देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जो ये लोग अभी ईद के अवसर पर जो इनका होता है तो उस मौके पर एक एक चीज आप लोगों के पास आता है, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। आप तो एकदम बुलंद रहिए। आपने सेवैयां खाई सर? सेवैयां आपने खा ली? अभी खाएंगे सर। सर मुख्यमंत्री जी भाई ये खाते मुख्यमंत्री जी बंगाल जा रहे हैं क्या सर? दूसरे चरण की यात्रा में देश को बाद में बन के आएगी। अब फिर राष्ट्रीय भाई शुरू हुआ बहुत अच्छे ढंग से आयोजित होता है यहाँ पर और काफी संख्या में लोग आते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और पूरे महीने में कार्यक्रम चलता ही है, वो भी तो अनेक जगहों पर जाते हैं, सब लोग करते हैं और मन जा है एकदम आपस में प्रेम और भाईचारे धर्म को मानने वाले सबका हम सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, इसी के लिए संभव है, प्रयास होता है और बहुत अच्छा माहौल है। अब आप जानते ही हैं इतना अच्छा है और इतना बढ़िया ढंग से ये लोग सब कार्यक्रम करते हैं, आज के मौके पर, ईद के अवसर पर सब मुबारकबाद। सामाजिक सौहार्द बिहार में बना है। आप लोग भी इस मौके पर आकर के सब कुछ देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जो ये लोग अभी ईद के अवसर पर जो इनका होता है तो इस मौके पर एक एक चीज आप लोगों के पास आता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। आप तो एकदम बुलंद रही है। आपने सेवैया खाई सर? सेवैया आपने खा ली? सर मुख्यमंत्री जी दूसरे चरण की यात्रा में देश को सर 25 को बंगाल जा रहे हैं क्या सर? ममता जी से मिलने सर। भैया जो ये ईद का पर्व होता है, ये ईद का पर्व में आप ईद का पर्व में आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रमजान मुबारक महीने का तोहफा है ईद के तौर पे, जो 30 दिन हम लोग रोजा रखते हैं उसी के खुशी में हम लोग को ईद मनाते हैं। तो सब ये मेल जोल का पर्व है, साथ में सेवैया खाना, गले मिलना, खजूर वगैरह खाना, इस तरह हम लोग खुशी बयान करते हैं। ये जो ईद होता है भैया, तो इसमें नमाज जो अदा होता है, ये नमाज किनकी याद में होती है और किनको याद करते हैं और क्या क्या दुआएं मांगते हैं? हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके मतलब कहने पे हम लोग ईद मनाते हैं और ये चलता आ रहा है, हमेशा चलता ही रहेगा। ये हम लोग सब को भाईचारा है, ये हिंदू मुस्लिम भाई सब का हम लोग मिला के चलते हैं। हम लोग सारे के लिए पर्व है ये और हम लोग मिलजुल के अपना ईद मनाते हैं। ईद के दिन अपना हम लोग इंजॉय करते हैं भाई। इसमें क्या क्या घर में क्या क्या खाना बनते हैं? खाने में सेवई, लच्छा, दही वड़ा,
बहुत सारे आइटम और हैं जिसमें नाम याद नहीं हम लोग को रहता उतना, खाने से मतलब रहता है, और बाकी हम लोग सब भाई मतलब पार्टी वार्टी चलता है हल्का फुल्का, एक दूसरे में दावत तो मतलब बुलाया जाता है। ये हम लोग का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का प्यार है, हम सब भाई मिल के सबको बोलते हैं सारे हिंदुस्तानी भाई बहन को ईद मुबारक। बताइए आपका नाम क्या है? राजकुमार है। अच्छा, ये ईद जो होता है भैया, इसमें क्या क्या मतलब मनाते हैं आप लोग, कैसे क्या करते हैं? ये एक महीना आप लोग रोजा रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा पर्व है, और ये पर्व जो है हमको बहुत अच्छा लगता है, हम सब भाई मिल के मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, और एक महीना इबादत किया जाता है, नमाज किताब सब पढ़ा जाता है, और उसके बाद लास्ट में ईद आता है, तो हम लोग सब भाई देखिए साथ में हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई साथ में मिल के मनाते हैं। और हिंदुस्तान को यही बोलना चाहते हैं जो भी हैं कि कोई जात धर्म नहीं देखिए, सबसे बड़ा इंसानियत है, इंसानियत को ले के चलिए, सब मिल बांट के पर्व मनाइए। बोलिए, मेरा नाम साहिल हुआ। अच्छा, ये ईद के बारे में कुछ बताइए। ईद जो पर्व है बहुत अच्छा पर्व है, जैसे कि आदमी लोग, जैसे कि होता है ना हिंदू लोग का जो सबसे बेस्ट पर्व होता है छठ बिहार में, तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट पर्व यही रमज़ान है, और ये 29 दिन के बाद हम लोग को ये ऑफर है, ये समझिए कि इंजॉय करने का दिन है, और प्लस सेलिब्रेट करने का दिन है, एक दूसरे से प्यार बांटने का दिन है, एक दूसरे से गला मिलना है, उनको बधाई देना है, और सभी अमाम को, जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, सभी को, हिंदुस्तान में हो या अदर कंट्री में हो, सभी को ये चीज़ जो है ना दिल से आदमी सेलिब्रेट करता है। ये जैसे ईद में एक महीना का आप लोग का रोजा चलता है, तो उस रोजा के दरमियान बहुत सारी परेशानियां आती होंगी, क्योंकि जब शुरू करते होंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होता होगा, तो वो कैसे उसको मैनेज? जैसे देखिए, इबादत दिल से होती है, जो इबादत दिल से करते हैं तो उसको गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, उसको कोई असर नहीं होता है। और जैसे कि छठ में भी लोग फेस्टिवल करते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं, और हम लोग के लिए तो समझिए सुबह 4:30 बजे से, 4 बजे से समझिए लॉक हो जाता है, और 6:30 बजे अनलॉक होता है। मोहम्मद शद्दाम कुरैशी। अच्छा, ये ईद का जो पर्व होता है, इसमें क्या क्या करते हैं, क्योंकि आपको एक महीना का रोजा रखना होता है, उसमें क्या क्या? इसमें 30 दिन का इबादत रहता है, अल्लाह का इबादत किया जाता है, 5 वक्त का नमाज रहता है, तरावी रहता है, हम लोग समझिए पूरे एक महीने का इबादत करते हैं, और पूरा एक महीना इबादत करने के बाद ईद होता है, जो ईद बहुत खुशी का पर्व है, हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं, समझिए प्यार बांटते हैं। अच्छा, ये जो ईद का त्यौहार जो होता है, ईद के पर्व में आप मतलब घर में क्या क्या बनता है? घर में सेवई, लच्छा और मटन वगैरह, बिरयानी वानी बनता है। इसमें क्या दोस्तों को इबादत दिया जाता है, बुलाया जाता है? हाँ, हमारे हिंदू मुस्लिम सब दोस्त आते हैं हमारे। इसमें मतलब आपका किस चीज़ का दुकान है? जी, हमारा मटन का शॉप है। यहाँ पे एक और हमारे भाई हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। मोहम्मद आरिफ कुरैशी। आप बताइए ईद के बारे में, किस तरह की तैयारियाँ वगैरह? ईद ऐसा पर्व है, खुशी का त्यौहार है, इसमें लोग मिलते जुलते गले मिलते हैं, इसमें बहुत खुशी का त्यौहार है, और रमजान में रोजा रखने से आदमियों को ये होता है कि 11 महीने से इबादत, एक महीने में आपको गुनाह कसूर सब माफ हो जाता है। ये जो इबादत करते हैं आज के दिन, ये मतलब किनको, किनकी याद में, किनको याद किया जाता है? ये किनकी याद करते हैं? ये आपको रोजा जो रखने का है, आपको अपने सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए इबादत किया जाता है। नहीं, ऐसा है कि कुछ मोहम्मद पैगंबर की याद में इस तरह से क्या कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, खुशी का त्यौहार ये पर्व है। ये तो और खुशी का पर्व क्या है कि दोस्त मोहिन से मिलने, और दम दिल से दुश्मनों से भी रहे तो उससे भी जाके मिलिए, गले मिलिए, इसलिए ईद का ये खुशी का पर्व। जैसे बारे में बताइए, ईद का क्या तैयारियाँ चल रही है घर में, किस तरह की तैयारियाँ का आयोजन किए हैं, और किसको किसको इन्वाइट? जैसे ईद का पर्व जो होता है खुशी का त्यौहार रहता है, उसमें इनवाइट किए जाते हैं अपने दोस्त मोहिम को, बिरयानी लच्छा सेवई वगैरह ये सब का रहता है। तो आज के मतलब नमाज में क्या मतलब दुआ क्या मांगे आप अल्लाह से? अल्लाह से यही दुआ मांगे कि मतलब बढ़िया से रहे, 30 दिन का रोजा अच्छा से कटे, ईद पर्व बढ़िया से मने, बस यही सर।